So today it's a very important topic. These things you will use all your life, not only in MBBS, MD and other exams, in all aspects of your life you will use this lecture for these things. No need to write, okay? First of all, you all have to understand that what I am going to teach, what I want to tell you. जब ये सब समझ में आए तब लिखना, ठीक है? मैं डॉक्टर अरुण, ठीक है? तो ये वाला टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं कोई बताएगा? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ और प्रिंसिपल्स ऑफ लेबोरेटरी सेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ते हैं? लेबोरेटरी को हटा दीजिए आप, सेफ्टी और वेस्ट मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों हमारे MBBS के करिकुलम में फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में विद बायोकेमिस्ट्री NMC एट दिस टॉपिक? कोई बताएगा कि हमने फर्स्ट ईयर से शुरू क्यों किया है? Anybody? आप लास्ट वाले इधर आ जाइए ना, क्या परेशानी है? हाँ, कि पढ़ पढ़ के इतना थक चुके हैं कि आप नहीं पढ़ा जाएगा? ओके, तो ठीक है, नींद आ रही है तो सो जाइए, है ना? तो हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ते हैं कि अब विद फर्स्ट ईयर हमें क्लिनिकल नॉलेज दी जाएगी पैरा क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट के साथ। हम लोग हॉस्पिटल्स में भी जाएंगे, लैब्स में भी जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है हॉस्पिटल के उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज एट प्रेजेंट अभी वहाँ हैं, पेशेंट्स वहाँ हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ हैं, तो वो आपको फर्स्ट ईयर से ही जानने को मिलेगा। तो हमें उनके साथ कैसे डील करना है ये हम फर्स्ट ईयर से ही जानेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट लेबोरेटरी भी है, कौन कौन से टेस्ट हैं जो बायोकेमिस्ट्री में होते हैं कोई बताएगा? एनीबडी? No, I am not saying about the college laboratory. CBC is not the part of biochemistry. SGOT? Oh? HbA1c? Okay. And? RT-PCR is a part of biochemistry. Okay. And? KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, ओके, एंड ना KFT इज द राइट टर्म, सम आर सेइंग RFT, यू आर सेइंग KFT, बोथ आर ओके, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, एंड AFT, BFT, CFT, DFT, EFT, देन ABT, BVT, CVT, DVT, देर आर लॉट ऑफ नेम्स, आई थिंक 26 अल्फाबेट, we'll repeat it 26 into 26, I don't know how many, but basically we are doing 250 tests in biochemistry, or fortunately or unfortunately aapko MBBS mein sare aane chahiye aage ke exam dene ke liye. Ye 250 tests kyun karte hain, kyun nahi karte hain, इनको कैसे करते हैं और क्या सेफ्टी इसमें रखनी है, दिस 250 टेस्ट आर ओनली बिलोंग्स टू बायोकेमिस्ट्री, रेस्ट सब्जेक्ट्स आर आल्सो देयर, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी।
और रेडियोलॉजी, सो अप्रोक्स 250 आर देयर ऑल्सो, सो आई थिंक 250 इंटू 4 10,000 और समथिंग, 1,000 टेस्ट, सॉरी 1,000 टेस्ट यू हैव टू मेमोराइज इन योर स्मॉल मेमोरी विच विल बी बिगर बाय द टाइम, नॉट बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ लेजीनेस. जितना सोएंगे उतना दिमाग बड़ा होगा, है ना? इसलिए बच्चे को सुलाया जाता है ज़्यादा, क्योंकि उसके जो सेल ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं ऑर्गन की, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके. इसीलिए इसको टारगेट मान लेना कि MBBS में जितना सोओगे, है ना, उतना ज़्यादा ब्रेन को समझ में आएगा. लेकिन पढ़ने के बाद ही सोना, बिना पढ़े तो दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं, तो फिर एक्सपेंड क्या करेगा. ओके, तो दीज आर द कंटेंट. ये लेक्चर में ये सारे कंटेंट हमें जानने हैं. इंट्रो मैं आपको दे चुका हूं. ओके, वेरी फर्स्ट ये हम बात कर चुके हैं, व्हाई डज लेबोरेटरी सेफ्टी मैटर. आपकी MBBS के बाद पहली पहली इमरजेंसी में ड्यूटी लगी है, आप डॉक्टर नए नए बने हैं, एक पेशेंट एक्सीडेंट के साथ आता है, यू आर टू गुड इन योर वर्क एंड वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी अफ्रेड ऑफ सीनियर्स, सो यू ऑल यू वॉन्ट 100% परफेक्ट वर्क. ओके, मुझे ये पेशेंट सही करके ही देना है. पेशेंट जैसे इमरजेंसी में घुसेगा, आप सेफ्टी उफ्टी साइड में गई, नो सेफ्टी, नॉट एट ऑल. इस पेशेंट का खून बंद होना चाहिए, इसके बहते हुए खून में एक भी बूंद अब यहाँ नहीं गिरनी चाहिए. अगर ज़्यादा देर गिरेगी तो मैं गिर जाऊँगा, ऐसा भी होता है. कुछ लोग खून देखकर पहली पहली पोस्टिंग में ही दड़ाम. तो ऐसी सूरत में सेफ्टी भूलकर हम ट्रीटमेंट में लग जाते हैं, और सीनियर का फ़ोन आ रहा होता है, अरे क्या हुआ सर, इट्स ओके. बाद में पता चला कि वो पेशेंट HBsAg पॉजिटिव था. फिर सीनियर का फ़ोन आता है, अरे क्या हुआ सर, नथिंग इज ओके. What happened? Patient is okay, but sir, my future is in, I don't know where it is. तो अगर lab safety या safeties का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, जब कभी road side accidents आप देखेंगे, आपका एक role है doctor का, आप road side accidents देखते हैं, तो आपके मन में पहली बार आएगा कि okay, मुझे इसको CPR देना चाहिए, इसको मुझे बचाना है, और होना भी चाहिए. बट विदाउट सेफ्टी देके आप कूद पड़े मैदान में, जो ट्रक उस पर पहले चढ़ के गया था बैक गियर में आप पे से चढ़ गया, है ना? सेफ्टी पहले देखनी है, नेसेसरी इसलिए है सेफ्टी. डेली लाइफ में भी, MBBS में भी, क्लासरूम में सेफ्टी किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम हुए, हम एग्जाम देने पहुंचे एग्जाम हॉल में, पूरा एग्जाम दे दिया सामने वाले का टीप के, पता चला ब्रदर दिस इज वेरी डिफिकल्ट, आपके जूतों को लगातार देखते रहना मेरे लिए परेशानी का सौदा है ना? तो आपने सारा एग्जाम चीट कर लिया, पता चला वो भी फेल था और मैं भी फेल ही हूँ. तो
तो वहां पर भी हमें सेफ्टी की बहुत जरूरत है, हमें पता होना चाहिए कि हमें किसको चीट करना है ना, किसको चीट करना है का मतलब किससे चीट करना है ना, थोड़ा आगे नहीं जाए, ठीक है। तो सेफ वर्किंग प्रोटेक्ट फॉर यू, अदर लैब वर्कर, क्लीनिंग स्टाफ, विजिटर, आउटर एंड योर वर्क, इमरजेंसी एग्जिट और लेबोरेटरी के एक्सेस के सेफ होने की जरूरत क्यों है? किसी भी जगह को एक्सेस हमें करना है तो उसके सेफ होने की जगह क्यों हमें जरूरत क्यों है और उसमें इमरजेंसी एग्जिट क्यों होना चाहिए? ऐसा है, आपने एक क्लिनिक खोलने की सोची अपने अर्ली डेज में और आपने गाजियाबाद में जाके क्लिनिक खोला। एक एक शहर चुना है मैंने गाजियाबाद, आप जयपुर मान लीजिए, पर गाजियाबाद इसलिए चुना कि यहाँ से बहुत दूर है, अगर जूते पड़ना शुरू होंगे तो यहाँ वाला भी नहीं जाके बचाएगा, ऐसा ना, बहुत दूर है। एक शहर आपने गाजियाबाद चुना, वहाँ जाकर आपने क्लिनिक खोला। अगर आपने सही जगह क्लिनिक नहीं खोला तो आपके गुस्से के साथ जूते पड़ेंगे, है ना? और अगर आपने सही जगह क्लिनिक खोल लिया और पेशेंट को सही नहीं निकलिया तो आपको निकलते के साथ जूते पड़ेंगे। तो दोनों की व्यवस्था करके रखनी है कि घुसने पर भी सेफ्टी हो और अगर कोई पेशेंट का केस बिगड़ जाए तो इमरजेंसी एग्जिट भी हो, ठीक है। भागने की जगह होनी चाहिए, ठीक है। केस आपने नहीं बिगाड़ा है, वो केस बिगाड़ के ही लाता है, फिर वो किसी के तो माथे आएगा। तो द सॉफ्टेस्ट वन इज डॉक्टर, जिसको आसानी से कूटा जा सकता है ना, और उसके फीलिंग भी होते हैं कि हाँ ठीक है मैंने मार दिया तो कुट ले भी लो, वो ऐसा बुरा भी नहीं मानता, है ना, कि हाँ भैया बच्चे की तो जान गई है, इसके तो बच्चे की जान गई है, मुझे कूट ही तो रहा है ना, तो वो फील करता नहीं ज़्यादा कि ठीक है इट्स ओके। तो लेकिन हमें हमें सुरक्षा रखनी है। ऐसा लेबोरेटरीज में क्या है, लेबोरेटरीज में हम बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, बर्न फायर से चलते हैं। अब ऐसे सूरत में अगर आग लग जाए लैब में तो भागने की व्यवस्था क्या रहेगी? तो हमारे पास एक सेफ एग्जिट होना चाहिए, है ना। और अगर हम जहाँ लैब खोलकर बैठे हैं वहां पर एंट्री बहुत छोटी है कि आपका एक इंस्ट्रूमेंट भी अंदर नहीं जा सकता, या एक बार में एक ही आदमी अंदर जा सकता है, तो उस सूरत में भी सेफ्टी मैटर करेगी। तो एंट्री या लेबोरेटरी एक्सेस वो भी सेफ साइड में होना चाहिए और उसका एग्जिट भी सेफ होना चाहिए। दिस इज नॉट ओनली फॉर द लैब, हमारे घरों में भी इस तरह, जैसे 2015 की बात है, यहाँ पर एक शहर का हिस्सा है विद्याधर नगर, आप लोग जानते होंगे, वहाँ पर एक आग कांड हुआ था, है ना, फायर इंजरी हुई थी, उसमें पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। हुआ एक्चुअली क्या था कि उनका पूरा घर जो है लोहे की रॉड से कवर था पूरा घर, और पड़ोसी की तरफ जो एक चीज खुली हुई थी वो भी धरती उसकी लोहे से कवर थी, तो उसमें सारे कैमरे भी लगे हुए थे, सब अलार्म वगैरह सारी कुछ थी, लेकिन जब बर्न हुआ तो कैमरा सर्किट हो गया, तो बर्न में उसने और हेल्प की और उस परिवार में से कोई नहीं बचा, इवन छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, जबकि वो घर काफी बड़ा था, लेकिन उन्होंने एक चीज छोटी सी चीज की ध्यान नहीं रखी, रखी होगी जब बनाया होगा जब, लेकिन जब पड़ोसी ने आके बना लिया तो वो सेफ्टी खत्म हो गई, तो वो बर्न से पूरी फैमिली खत्म हो गई। और ऐसा एक सिक्योरिटी पैटर्न आपके ब्रेन में भी रखें, एक एग्जिट आपके ब्रेन में भी होना चाहिए। कैसा? अभी आप पूरी MBBS पढ़ेंगे, बहुत सारे आपके समझदार साथी सीनियर्स एंड ऑल
आपको आकर समझाएंगे, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, तूने क्या ले लिया, किस समस्या में फंस गया, अब तो डॉक्टर इतने हो गए हैं, तू मूर्ख है, आईएएस करता तो इतना ही पढ़ना पड़ता, बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी। तो आपको एक एग्जिट रखना है कि भाई आप तो ले लिया, जो है यही है, ठीक है, इसी को लेकर के मुझे आगे बढ़ना है, इसके अदर जो भी चीजें हैं वो एग्जिट है, ठीक है, बाय हुक बाय क्रुक, एनी हाउ हमने ये सब्जेक्ट लिया है तो अब इसमें ही आगे बढ़ना है। हाल दो मैं भी कहता हूं कि ये बहुत डिफिकल्ट है जो आपने चुना है, ये बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब बहुत डिफिकल्ट, वो एक शायर कहता है ना कि तबीयत से पत्थर उछालो, वो वाला शायर है ना, वो भी फैले उसके आगे, इतना डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्टी नहीं किया तो फिर क्या किया, है ना। तो ये एग्जिट हमेशा रखना ब्रेन से कि अब मैंने ये जो मैंने चुना है, चाहे अपने ब्रेन से चाहे बाप के थप्पड़ से, बट ये मैंने चुना है, नाउ आई सेलेक्टेड दिस, है ना। तो इसका जो भी एंड है, चाहे डीएम ही वो एंड हो इसका, हो एमबीबीएस एमडी डीएम एंड अदर एफआरसी पी ए बी सी डी जो भी है, तो जो भी हो एंड वो मैंने चुना है, एंड नाउ इसका इसके अदर सब कुछ एग्जिट है, सेफ्टी एग्जिट, ओके, ये लाइफ में भी और लेबोरेटरी में भी और अदर डिपार्टमेंट में जब आप जाओगे उसमें। हम सेफ्टी को कैसे ऑथराइज करते हैं, जब आप इमरजेंसी ड्यूटी लगेंगे या आप अपनी नई नई क्लिनिक खोलेंगे एमबीबीएस के बाद, ऑल दो इट्स सो फार 5 ईयर फार फ्रॉम नाउ, और आई डोंट नो आफ्टर एग्जिट एग्जाम हाउ मेनी ईयर्स इट इज फार फ्रॉम टुडे, बट फिर भी जब भी आप इन सब हर्डल्स को पार करके पहला अपना क्लिनिक खोलेंगे जिसमें कोई मच्छर भी नहीं आएगा इलाज कराने, तो आपको लगेगा जो पहला आ गया भाई, पहला जो आ गया, फिर आप नहीं देखेंगे क्या सेफ्टी फलां ढिमका, आज तो इसको ट्रीट करके ही रहूंगा, चाहे वो आपके शहर के सबसे सीनियर मोस्ट डॉक्टर को दिखा के आ रहा हो, लेकिन आपको उसको ट्रीट करना है, उस वो डॉक्टर तो फेल हो गया, वो आपसे ट्रीट करवाएगा, फिर आपसे वो ट्रीट होगा नहीं, ऑब्वियस, जिसको शहर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर ठीक नहीं कर पड़ा है उसको आप ठीक कैसे करेंगे, बोले सर जी एन सक्सेना सर फेल हो गए, अब आप ही बचे हो आज, तो जी एन सक्सेना सर पहले हैं, अब यहाँ पर वाइस चांसलर हैं, पहले एमडी मेडिसिन डिपार्टमेंट हेड एसएमएस मेडिसिन के सबसे, जो जयपुर में सबसे बड़े, इनसे बड़े नहीं हैं वो, फेल हो गए हैं तो अब आप इलाज कर दो, आप कहोगे भाई तू तो पहला ही है मेरा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, जो पेशेंट हम देख रहे हैं उसे हम देख सकते हैं कि नहीं, औकात से बाहर तो नहीं है भाई, हम हर जमीन नहीं खरीद सकते, जमीन खरीदने जाओ औकात के अंदर तो होनी चाहिए ना, कि मैं तो ताजमहल ही खरीद कर रहा हूं, उसके लिए पहले शादी करो, फिर मुमताज को मारो, फिर शादी, बड़ा सारा लंबा प्रोसेस है ना, तो इतना प्रोसेस अपन ने अभी किया नहीं, अभी तो अपनी नई नई हुई है ना, तो हमें ये रेस्ट्रिक्ट करना है कि पहले तो हमें दिखाए कौन और दूसरा उसके साथ आए कौन, ठीक है, हमें पता चला कि एक ने रिवॉल्वर लगा रखी है, वो उसके साथ आ रहा टेंडर, और आप कह रहे आ जा भाई आ जा, समझो इस बात को, हमारे मेडिकल पैटर्न ने, मेडिकल फैटर्निटी में एक पैटर्न है जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पैटर्न है, उसकी वजह से हम जैसा भी फाइट कर पाए, कोविड से इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद फाइट कर पाए, उसका रीजन क्या है, हमारे पास एक पैटर्न है, ये रेस्ट्रिक्ट करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, इसको आगे भेजना है ना, तो
हमें ये पता होना चाहिए इस पेशेंट को हमें देखना है, इसको आगे भेजना है और इसको कह देना घर ले जाओ, ठीक है ना। तो जैसे ही सिस्टम को क्या कहते हैं, पीएचसी, तुमने देखी है पीएचसी, सुना होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ना। पीएचसी पे हम कोई पेशेंट नहीं देखते अलावा खांसी जुकाम बुखार के, वो भी हमारा कंपाउंडर देख लेता है, हम तो कागजी कार्रवाई करते हैं। हम उसको क्या करते हैं, जैसे कि पहली डिलीवरी का केस भी आया, अगर वो नॉर्मल भी है तो हम उसको कहते हैं भाई रेफर करो सीएचसी के लिए। तो पीएचसी का जो पैटर्न है या सबसे छोटे लेवल का जो पैटर्न है वो ये है कि हमने पेशेंट को टाइमली उस जगह पहुंचा दिया जहां पर उसका इलाज हो सके, अगर हमसे नहीं हो सका तो टाइमली उस जगह पहुंचा दिया जहां पर उसका इलाज हो सके, ठीक है। ऐसा ही होता है, जो हमारी मशीनें हैं वो हाईली सेंसिटिव होती हैं लैब में, कि कोई कचरा आ गया साथ में, जूतों में लगकर आ गया या कोई साफे में लग के लग गया, कैसे भी हो गया, कचरा लेकर गया अंदर, तो हमारी मशीन आज दिन भर के लिए बंद हो जाएगी। तो हमें एक एरिया रखना है कि इसके आगे कोई भी बंदा अलावा सैंपल के क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी मतलब कोई भी। हम उससे रिक्वेस्ट करें, ऐसा नहीं दादागिरी नहीं होती, हम इससे रिक्वेस्ट करें सर आपका जो सैंपल का रिजल्ट अभी एक घंटे में आ जाता वो आपके कर्मों से कल आएगा, और ये केवल आपने अपना नुकसान नहीं किया, आपके साथ साथ जो 1000 सैंपल और हमारे रन हो रहे हैं उनका रिजल्ट भी कल ही आएगा, ऐसा कहने पे वो समझ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कहोगे वो अंदर कैसे आया, ये पैटर्न हम डॉक्टर्स के नहीं है, ठीक है। जितने भी डॉक्टर्स की मार पड़ती है वो या तो ऐसे सोते हैं क्लास में, या फिर वो इस एंट में रहते हैं कि आपका बढ़ गया मैं, है ना। तो हम रेस्ट्रिक्ट एरिया करें, इसके आगे नहीं जाना। हमारे को हमारे स्टाफ के लिए ये पता होना चाहिए कि इस एरिया को इस व्यक्ति के लिए डेडिकेट किया गया है, दिस एरिया इज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। टेक्नीशियन वहां तक जाएगा, डॉक्टर इसके आगे नहीं जाएगा। सबसे बड़ी जो मेडिकल अभी जो फील्ड में दिक्कत आ रही है, एक्चुअली हम नर्सिंग स्टाफ या टेक्निकल स्टाफ और डॉक्टर तीन को तीन लेवल समझते हैं। जब भी आप किसी भी पैटर्न पे काम करोगे वहां पर अपने साथी को लेबल समझोगे, दैट आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरे से नीचे जो सीनियर डेमोंस्ट्रेटर है वो एक लेबल है कि वो मुझसे ऐसे नहीं बोल सकता, तो होता क्या है इसमें हेजिटेशन हो जाता है, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती भी होती है ना, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे नहीं बताएगा और वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। स्टूडेंट के साथ भी ऐसा होता है, बायोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, 18 और सब्जेक्ट हैं, है ना, वो भी तो पढ़ने, पर प्रॉब्लम ये है MBBS के साथ कि 18 के 18 एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगर आप बायोकेमिस्ट्री नहीं समझ पा रहे तो 110% आप फिजियोलॉजी भी नहीं समझ पाएंगे, और आप फिजियोलॉजी नहीं समझ पा रहे हैं तो पैथोलॉजी तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते, और खुदा ना खास्ता दिमाग ने साथ दे दिया तो थोड़ा बहुत एनाटॉमी समझ लेंगे तो वो आपको नहीं समझना चाहेगी, क्योंकि वो हर दो दिन बाद वॉश हो जाती है, यार इसका ओरिजिन कहाँ था, इसका एक्सेप्शन कहाँ था, अला ये फ्लेक्शन था कि एक्सटेंशन था कि इंटरनल रोटेशन था, वो सब कुछ घूम जाएगा। जो मेडिकल साइंस कहता है ब्रेन की सबसे अच्छी कैपेसिटीज जो हैं, जिसको आप सोते हुए गुजार रहे हैं, वो इसी एज में है जब हम सेलेक्ट होते हैं, वो थर्ड ईयर तक जाते हैं। इन 3 ईयर्स में बेसिकली फ्रॉम 18 to 25 ब्रेन सबसे ज़्यादा शार्पली वर्क करता है, उसको हम भूल जाते हैं कि हम उस एरा में हैं, या फिर हमारे शार्प को हम कहीं और यूज़ करने लग जाते हैं। अच्छा वो, हाँ ठीक है, उसकी डिटेल चाहिए मैं दूंगा, है ना, इसमें लग जाते हैं हम।
है ना? तो ये टाइम नहीं है एक्चुअली, सारी जिंदगी आपको यही सुनने को मिला होगा, ये टाइम नहीं है ना? वो कोई बात नहीं है। एक्चुअली आज से 30-35 साल वाला आप नहीं देख पा रहे हैं, जब आप ये सोचोगे वही टाइम था, है ना? जिसको आप कहते थे ना कि ये टाइम नहीं है। तो जो प्रिपरेशन हम अब कर सकते हैं, वो हमारा जो 60-62 में हमें सोशल स्टेटस कहते हैं ना, एक जैसे आज खेलना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, इसी तरह से उस एज में एक स्टेटस पसंद होता है, उतना ही पसंद होता है जितना खेलना पसंद है या मूवीज देखना पसंद है या खाना खाना पसंद है, उतना ही स्ट्रांगली हमको वो पसंद होता है। लेकिन क्योंकि हम उसका प्रिपरेशन उस समय नहीं कर पाए जब करना था, ठीक है? तो हमें तैयारी अभी से करनी है, चाहे नेक्स्ट की हो, नीट की हो, कुछ भी हो, क्योंकि प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल की जितनी अच्छी नॉलेज होगी आपको, उतने अच्छे नंबर आने वाले हैं। पेपर उनके सेपरेट हैं, लेकिन पूरी की पूरी मेडिसिन और पूरी की पूरी सर्जरी इन्हीं सब्जेक्ट्स पे बेस है। अगर ये समझ गए तो आगे इजी होगा, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया, हर जगह पर पता होना चाहिए कि डॉक्टर कहाँ जाएगा, टेक्निकल स्टाफ कहाँ जाएगा, और यही चीज टेक्निकल स्टाफ को भी पता होना चाहिए। और अगर वो आपको रोकता है, अगर लैब नर्सिंग स्टाफ आपको रोकता है कि सर ये आईसीयू है, इससे आगे मत जाइए, तो आप उसको मत कहो मेरी बाप होती है, मैं डॉक्टर हूँ, तू कौन, है ना? ये एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो कल को आपका पेशेंट भी वहां होगा, तो उसको जो रिस्क आती है ना, वो आपको लगेगा यार ये कैसा हॉस्पिटल है, यहाँ अंदर कोई भी घुसा चला जा रहा है, इससे कंटामिनेशन नहीं होगा क्या, इससे इन्फेक्शन नहीं होगा क्या, तो बराबर लेकर चलना। हाँ, लेकिन आपकी इस अच्छाई का कोई फायदा नहीं उठाए कि आप हर जगह हाँ हाँ बोलिए, अगर ऐसे ढीले रहे तो कहेगा साला कौन आ गया, ये क्या ट्रीट करेगा, इतना लूज नहीं, इतना होना चाहिए कि हाँ आई एम ए डॉक्टर, आपसे ज्यादा मोर मोर नॉलेजेबल हूं, बट आपका रेस्पेक्ट कम नहीं है। ओके, जो आपको आता है वो भी मुझे आता है, पर वो मेरा काम नहीं है। जो नर्सिंग स्टाफ को आता है वो सब आपसे सीखे हुए हैं, जब आप अपने फील्ड में आगे चलते जाएंगे तो आपका जो जूनियर नर्सिंग स्टाफ है वो आपको शो तो इस तरह से करेगा कि आपसे कुछ नहीं सीखा उसने, बट जब सीनियर के जूते पड़ रहे होते हैं तो नर्सिंग स्टाफ आगे नहीं आता, लेकिन वो पीछे से खड़ा होकर सुन रहा होता है कि इसको जूते क्यों पड़े, और वो सीख जाता है हाँ ये नहीं करना, इससे जूते पड़ते हैं। और फिर जो अगला जूनियर आएगा ना, उसको सिखाएगा वो, डॉक्टर साहब आपको ये भी नहीं आता, ये तो करना ही नहीं होता है, वो एक एक स्टेप पीछे चल रहा है लेकिन हमसे एक स्टेप आगे चल रहा, ठीक है? लेकिन हमको सबको बराबर रेस्पेक्ट देनी, और अपनी जो क्या कहते हैं डिग्निटी, वो मेंटेन रखनी। तो यही सेफ्टी है। ये सेफ्टी कैसे है, जब कोई केस बिगड़ता है तो आप उसे नर्सिंग स्टाफ पर नहीं छोड़ सकते, या टेक्नीशियन पर नहीं छोड़ सकते, और जो बाहर किसी के गार्जियन या अटेंडेंट बैठे हैं उनको भी मतलब नहीं है कि नर्सिंग स्टाफ कौन लगा हुआ है, टेक्नीशियन कौन लगा हुआ है, उनको केवल एक चीज से मतलब है कि डॉक्टर कौन है। आपको पता है कि 30-40% सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, हमारे देश में 30-40% सर्जरीज ऐसी होती हैं जिनमें डॉक्टर कोटी में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन वो भी सक्सेसफुली हो जाती है, पर कोई सवाल भी नहीं करता है, केवल एक नाम के पीछे कि मेरे मेरे बच्चे का या मेरे घर वाले का ट्रीटमेंट वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं,
या ओटी उनकी है, तो केवल नाम से नर्सिंग स्टाफ कर देगा सारा काम, लेकिन नाम आपका ही है, तो आपको इसका ध्यान भी रखना है। तो ये सेफ्टी है, आपकी डिग्निटी आपकी सेफ्टी है। इमरजेंसी एग्जिट कैसा होना चाहिए? इमरजेंसी एग्जिट आमतौर पे कब यूज होता है? जब सब सारी की सारी हमारी सुविधाएं फैसिलिटीज खराब हो जाएं। हमारी फैसिलिटीज क्या क्या हैं? कहीं पर भी जाने आने रहने में हमारी फैसिलिटीज क्या हैं? लिफ्ट है एंड सीढ़ियां, आप में से लिफ्ट और सीढ़ी लगी हुई तो कौन सीढ़ी ज्यादा प्रेफर करता है? हाँ, कुल मिला के 10%, वो भी इस एज में, है ना? बड़े होकर तो वाला 2 मंजिल में भी लिफ्ट क्यों नहीं है? ये कैसा होटल है, इसमें लिफ्ट ही नहीं है? इस हॉस्पिटल को किसने बनाया, इसमें लिफ्ट ही नहीं है? तो बेसिकली सबसे बड़ी सुविधा हमारी आज की तारीख में वो है इलेक्ट्रिसिटी, है ना? तो इमरजेंसी एग्जिट जब शुरू होता है तो सबसे पहले लाइट जाती है ना? और आपकी सबसे बड़ी सुविधा ही आपकी दुविधा बन जाती है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता। तो जितने भी जगह एग्जिट है वो ऐसे रेडियम से होना चाहिए या इस तरह के पार्टिकल से बने होने चाहिए जो लाइट जाने पे चमके, साफ दिखे आपको अंधेरे में भी कि ये एग्जिट है। एग्जिट की जो सीढ़ियां हैं या रैंप है, मोस्ट प्रेफरली रैंप होना चाहिए, पर नहीं है तो सीढ़ियां हैं वो इमरजेंसी लाइट से लिट होनी चाहिए, चाहे उनमें साइड में रेडियम की पट्टी लगी हुई हो या इमरजेंसी लाइट लगी हुई, ठीक है? उसको कभी भी तालाबंदी नहीं करना है। जब करना है, जब आप इंस्टीट्यूट, अब ठीक है, आप यहाँ कोई नहीं आएगा, अब इसको लॉक कर देना है। लेकिन उससे पहले वो लॉक, जैसे ही ऑफिस खुले वो अनलॉक होनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके आपकी इमरजेंसी बाहर खुलनी चाहिए, जितना जल्दी पॉसिबल हो उसको लाइट और हवा उतनी जल्दी मिलनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बर्न में, मोस्टली केसेस में बर्न सीधी डायरेक्ट नहीं मारती है, उसका जो इनहेल करते हैं हम वो इंटरनल इडीमा करता है और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। मोस्टली केसेस में, एक सवाल है आपसे कि बर्न के केसेस में मोस्टली डेथ किस दिन होती है? तो एक्यूट डेथ और इट विल टेक सम टाइम, हाउ मेनी आवर्स और डेज और मंथ्स और ईयर्स? 48 आवर्स? हाउ, वाई? प्लीज ओके। कोविड केसेस में, कोविड तो आप सबने देखा सुना, बर्दाश्त किया। कोविड केसेस में डेथ का कॉज क्या था? व्हाट इज द मेन सिम्टम, सॉरी, कॉज तो कोरोना वायरस, मेन सिम्टम क्या था? एनीवन एल्स और कोई? फ्यू आर सेइंग रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, एक्चुअल रीजन ऑफ डेथ इन कोविड इज क्लॉटिंग इन द ब्लड, मल्टीपल क्लॉट्स। होता क्या था कि जो वायरस है वो हमारे ब्लड में छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स बना देता है और वो
पल्मोनरी आर्टरी में भी जाके ब्लॉक करते हैं, और माइन्यूट वेसल्स जो हैं पल्मोनरी उनमें भी जाके ब्लॉक करते हैं, और जब वो ब्लॉक करते हैं तो रेस्पायरेशन सही से नहीं होता, इंटरनल रेस्पायरेशन, तो उसमें डिमांड बढ़ जाती है लंग्स की कि हमें और ऑक्सीजन चाहिए, और ट्रांसफर होता नहीं। तो कई डेथ केवल इसलिए हो गई जिसको आप ऑक्सीजन पॉइजनिंग कह सकते हो, कि हमने रियल काउज को तो ट्रीट नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं था, और हमने उस पर दबा के ऑक्सीजन दी जितनी मर्जी। मतलब मैं वीआईपी हूं तो मुझे 10 लीटर पे जा रही है, और बड़ा वीआईपी हूं तो 20 लीटर पे जा रही है, फेफड़ा पड़ जाए पर जा रही है, क्योंकि हम जानते ही थे कि ऑक्सीजन दो भाई। हो क्या रहा था, ऑक्सीजन जा रही थी, यूटिलाइज नहीं हो रही थी, और पेशेंट हाइपर कैपनिया, मतलब ऑक्सीजन के अत्यधिक लेवल की वजह से एल्वोलाई में एक्सट्रीम ऑक्सीजन लेवल, ब्लड में लेवल ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन एक्टिवेट हो गया। जब इन्फ्लामेशन एक्टिवेट हो गया तो आपने सुना होगा सीआरपी बढ़ गया, IL-6 बढ़ गया, बड़े नए नए टर्म्स आते हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं, ये आप सबको भी जानने होंगे। तो बाद में बेसिकली पता चला कि हमें इनको ब्लड थिनर देने हैं, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन देने हैं जो उसको सप्रेस करे, ब्लड थिनर देने हैं जो क्लॉटिंग को कम करे। तो अब हम इस जगह पहुंच गए हैं कि डेथ रेट हमने घटाकर काफी कम कर दी है, और कोविड भी काफी एक्सपर्ट हो गया है। अब उसने अपना पैटर्न क्लॉटिंग का छोड़ करके ऑर्गन 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 ओरिजिनेटेड कर लिया है, जैसे आजकल वो लीवर फेलियर कर देता है, किडनी फेलियर कर देता है, ब्लाइंडनेस कर देता है, ईयर में डिफिकल्टीज कर देता है, आजकल उसकी जगह नहीं है कोई। और दूसरी बात, डॉक्टर इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि कुछ फेलियर वो भी कर देते हैं, जैसे ENT का डॉक्टर है, उसके पास कोविड पेशेंट लेकर जाओगे तो वो कहेगा ईयर फेलियर हो गया इसका, है ना। रीनल पेशेंट के पास लेकर जाओगे तो वो कहेगा किडनी फेल कर दी इसकी। एक्चुअल में हमें बदनाम करने वाले हमारे भी काफी हैं, पड़ोसी तो हैं, ठीक है। आयुर्वेदा के हिसाब से तो एलोपैथी कुछ है ही नहीं, और होम्योपैथी से एलोपैथी पैदा हुई, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो वो कम नहीं है, हम भी कम नहीं है, ठीक है। हम भी कोशिश पूरी करते हैं कि कैसे बदनाम किया जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप नए नए डॉक्टर बन के जाएंगे सोसाइटी में, तो आप इसमें बहुत बड़ा हाथ होगा आपका, कि हम इसे बदनाम और कितना करें, क्योंकि आपको कुछ आएगा नहीं और आपको चाहेगा बहुत ज्यादा, है ना, कि 100 रुपये तो मेरी फीस होनी ही चाहिए, वो तो मैं कम से कम बोल रहा हूं। वट इज 100? मैं 100? 100 तो भिखारी मांग लेता आजकल। मैंने क्यों ये फील्ड अपनाया, चौराहा ही ठीक था, है ना। तो वो उसमें आप बड़े भागीदार होंगे, तो थोड़ा धीरे चलें। इतनी धीमा फील्ड आपने चुना है जिसमें 5 साल में आप डॉक्टर कहलाते हो, वो भी कहलाते हो, बनते नहीं हो, और उसके बाद जब बन जाते हो तो 20 साल में आप कहलाते हो कि एक अच्छा डॉक्टर है, जब तक आप उस पार हो जाते हो या तो हम, हमारे लिए और अदर सेफ्टी क्या हैं इक्विपमेंट, हमें किस किस को ये बताना है कि आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, कोई बताएगा हमें किस किस को बताना है? हम एक सीट पे बैठे हैं, हमें किस किस को बताना है कि आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना है?
देखिए, आप कहीं भी हों, अगर वहां का मच्छर भी समझ सके ना, तो उसे भी समझाओ कि तुझे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना है। क्यों? अगर मच्छर जाकर ऑल आउट पे बैठ जाएगा, आजकल के ऑल आउट का पता नहीं, आजकल बैठे मिलते, पर इस तरह की क्लीनिंग इक्विपमेंट पे जाकर बैठ जाएगा तो वो मरेगा, तो आप अगर किसी को समझा सकें तो हर स्टाफ हर बंदे को समझाएं कि आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं इन एनी केस। लैब, उसका काम, आपकी तनख्वाह, वो सब साइड में, आपकी डिग्री सब साइड में, लेकिन आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। इसको कुछ इस तरह से समझिए, आपके लिए सबसे कीमती चीज क्या है आज की तारीख में? सबके लिए सबसे कीमती चीज है पैसा, है ना? जान के अलावा, मेरी भी दूसरे की भी, मतलब जान, लाइफ, है ना? प्लीज, मेरे को दूसरे की जान से मतलब नहीं, मेरी जान से मतलब, ठीक है? तो जो लाइफ है उसके अलावा उसको चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा। लेकिन अगर उसी सिक्के को आपका बेटा निगल जाए, या आपका भाई निगल जाए, या आपकी बहन निगल जाए, तो आपकी पहली चाह क्या होगी? कि साला ही निकल के बाहर आए पहले। ये होता है ना कि भाई ये मैं फेंकूं पहले, ये कहां से पड़े हैं, घर में इतने सारे सिक्के पड़े हैं, इनको कहीं आग लगाऊं। तो वही सेम चीज है, लेकिन सेम चीज ही अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल से यूज नहीं हुई है तो वो आपके लिए बहुत पैनिक हो जाती है। वही पैसा है, जैसे कुछ लोग शेयर मार्केट में वर्क करते हैं, शेयर मार्केट में आपका मेन एम रहता है कि मुझे अर्न करना है इसमें शेयर खरीद के। तो जब आप शेयर लगाया आपने, अगर उससे ऊपर बढ़ गया तो बहुत ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे जाता है और आपने सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं लगा रखे, उसका डाउन पे शेयर को बेचने का नहीं लगा रखा है, अगर आपने शेयर में काम किया हो तो जानते होंगे, तो हमें उसको एक लॉस होल्ड लगाना पड़ता है, ये 2 रुपए से नीचे जाएगा तो ये सेल हो जाए, और ये 10 रुपए से ऊपर जाएगा तो सेल हो जाए। तो अगर आप इस तरह के होल्ड, इस तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं यूज करेंगे तो हमें लॉस होगा, ठीक है? इसलिए, और एज ए डॉक्टर, हम एक चींटी का भी नुकसान नहीं चाहते, बिकॉज हम उसमें भी लाइफ समझते हैं। कैसे? जब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, अब तो बंद है, पर पहले लाइव एनिमल्स पे भी प्रैक्टिकल्स होते थे, तो हम जितने भी ड्रग्स उनको देते हैं, तो हर डॉक्टर ये चाहता है कि मैंने इस पे जो प्रैक्टिकल किया है ना, वो इस जानवर पे भी सक्सेस हो। तो हम एक छोटे से छोटे जीव का, अलावा मुर्गे के, क्योंकि तो उसको खाए बगैर तो किसी किसका पेट भरता है, तो उसके अलावा हम नहीं चाहते कि किसी की का भी नुकसान हो, ठीक है? और मुर्गे का भी टाइम होता है भाई, सुबह शाम, पूरे दिन नहीं खाते आप, तो इस हिसाब से मैंने फूड, अगर फूड अगर कोई आप नॉनवेज खाते हैं तो उसका भी टाइम है भाई, ऐसे रास्ते चलते मुर्गे को देख के थोड़ा, अरे आज तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने जो देखा चलता जीवा, अरे बस, ऐसा नहीं, उसका भी टाइम है। पर डॉक्टर्स हमेशा चाहते हैं, तो इसलिए हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल हर व्यक्ति को, हर बंदे को, लैब में, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जहां भी है, वहां आपको सबको बताना है, ठीक है? विजिटर्स को क्या बताएंगे आप कि क्या सेफ्टी इक्विपमेंट रखने, क्या करना चाहिए विजिटर्स को? सैनिटाइजर, विजिटर को सबसे पहले बताना है दूर बैठ, दिस इज द रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यू आर नॉट अलाउड टू इन,
पहली चीज भाई देखो, वो आप ये सब चीज नहीं समझते हैं, ये जो बड़ी सी मशीन लगी है इसमें आप कुछ नहीं समझते हैं। समझते होते तो मैं बाहर होता, आप अंदर होते। आप इसमें कुछ नहीं समझते हैं। तो पहले आप बाहर रहिए। मास्क तो अब कोविड आ गया तो मास्क लग रहा है, और एल्कोहल का तो यह हाल है, केवल पीने में यूज देते हैं, लगाने में तो अभी यूज किया है, केवल वॉर एरियाज में कुछ लोग जरूर मूवीज में देखा है मैंने, गोली पे दारू डाल लेते हैं, फिर वो निकल के बाहर ऐसे घूर 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 घूमते हैं, वो केवल मूवीज में होता है। मैंने आज तक किसी सर्जरी में ऐसा नहीं देखा कि गोली निकल के बाहर घूर 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 घूम रही है ना, चक्कर की तरह गोली घूमती है। बुलेट्स भी कई तरह की होती हैं, है ना? हाँ, आपको ये मैं जो भी चीज बता रहा हूँ सब मेडिकल से रिलेटेड है। जब आप फॉरेंसिक पढ़ेंगे तो जब वुंड इंजरी पढ़ेंगे आप, जो बुलेट बुलेट वो पिस्टल वुंड पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये बताना होगा कि इसको जो इंजरी हुई है वो छर्रे वाली गोली से हुई है, या इसको सीधे पेन वुंड हुआ है। सिंपल वुंड भी सिंपल बुलेट भी आती है जो जैसे अंदर जाती है वो ऊपर फटती नहीं है, वो केवल टिश्यू इंजरी करती है, और जो बैलेट्स वाली आती हैं वो खुल जाती है ऐसे और पूरे शरीर में डॉट 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 करके इंजरी करती है, जितनी जगह बैलेट जाएगा उतनी जगह इंजरी होगी। तो मैं उसकी बात कर रहा था कि हमें अब कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो पहनने चाहिए एज अ डॉक्टर और वर्कर इन लैब। ओके, तो जैसे आप पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट आपके साथ में आके बैठा है, तो क्योंकि कोविड सीजन है और भी सीजन है, जैसे टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस हमारे देश में काफी है, टीबी का जो इन्फेक्शियस पीरियड है वो ऑलमोस्ट 2.5 आवर है, 30 मिनट से शुरू होकर के 2.5 आवर है। मतलब अगर आप किसी के साथ इस कंट्री में दिल्ली से बैठे प्लेन में और उसको पड़ोसी को टीबी है, तो आप प्लेन में इस देश में कहीं भी चले जाइए आपको टीबी नहीं होगी मोस्टली, क्योंकि उसका इन्फेक्शियस पीरियड है 1/2 आवर to 2.5 आवर। तो आप उसके संपर्क में 2.5 घंटे से ज्यादा रहने चाहिए, और इंडिया में ज्यादातर फ्लाइट 2 आवर के ऑलमोस्ट हैं, कुछ एक आध फ्लाइट आप छोड़ दीजिए लेकिन वो भी कनेक्टिंग है, मतलब पहले आप दिल्ली जाएंगे फिर दिल्ली से कहीं भी जाएंगे, या आप पहले कोलकाता जाएंगे वहां से कहीं भी जाएंगे, तो मोस्टली आपको टीबी नहीं होगा। लेकिन कोविड का और ओमिक्रॉन का, स्पेशली ओमिक्रॉन का इन्फेक्शियस पीरियड 15 मिनट से शुरू होता है। तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं और वहां पर वो पेशेंट आपके साथ बैठकर खाना खा रहा है, तो देन यू विल डेफिनेटली बी कोविड पॉजिटिव। तो हमें ये सरकमस्टांसेस देखने हैं कि हमें कब कहाँ क्या पहनना है। ऐसा नहीं है कि आप बारात में गए और एप्रन पहन के चले गए, खाना खाने बैठे और मास्क लगा रखा है, तो गधा मुंह में कैसे जाएगा? या तो जाना ही नहीं, जाना तो फिर मास्क लगाना क्यों? सबसे सही है कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन समझदारों के लिए शत शत नमन जो शादी में जाएंगे भी और मास्क लगाएंगे भी, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। बाकी प्रोटोकॉल गवर्नमेंट निकालती है, क्या सोचकर निकालती है, उसकी क्या समझदारी है वो जाने, पर उसका यूज नहीं है, मेडिकली उसका यूज नहीं है। कि आप एक बैंक्वेट हॉल में बैठे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, और कोई बाहर से आया मास्क लगा के, क्या करने आया? बोले खाना खाने, तो मास्क लगा खाएगा। तो
तो जो लैब लैब के जो वर्कर्स हैं उनके लिए, जैसे ये तो सारी लैब का टोटल दे दिया है, मास्क, ग्लव्स, कैप, शू, स्क्रीन, ये सब उस वर्क उस जगह पर जहाँ पर कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है। बायोकेमिस्ट्री लैब के साथ इतना सब कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, और क्लिनिक पर आप बैठे हैं तब भी ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि डॉक्टर मुझसे ज़्यादा डरा हुआ है, समझ रहे हैं? पेशेंट को कभी नहीं लगना चाहिए कि इसने राम भरोसे एमबीबीएस की है और मुझे भरोसे राम छोड़ दिया है, ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए उसको। उसको आपको देखकर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आप बिना नहाए धोए बैठ जाओ तो भी, कि नहीं ये मुझे ट्रीट कर सकता है। आप गंदे भी लगो तो आपको कलाम दिखना चाहिए उसके अंदर। अगर आप गंदे सुंदे भी बैठे हो ना तो भी वो सोचे साइंटिस्ट बैठा है, समझे? मतलब एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने देश की कोई चीज नहीं छोड़ी जो पाई नहीं हो। भाई देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? देश का प्रथम नागरिक होना है ना, वो प्रेसिडेंट रहे। साइंस में सबसे सर्वोच्च क्या है? इन इंडिया एक्चुअली क्या होता है, जब लोग महान हो जाते हैं, गांधी को नोबेल देने का कोई फायदा नहीं, नोबेल गांधी से बहुत छोटा है, ठीक है? इनके नाम पर पुरस्कार चलने चाहिए और होते भी हैं। तो कलाम साहब को नोबेल दे करके नोबेल को बड़ा मत कीजिए। तो ये वेस्टर्न अवार्ड्स हैं जिनका कोई मायने नहीं है। अच्छा बात है, अच्छी बात है, हमें कोई चीज़ इम्प्रेस करती है, हमारे पढ़ने को सपोर्ट करती है, इट्स ओके। बट मेन चीज़ होती है कि एक व्यक्ति जब इस दुनिया से जाए तो उस व्यक्ति के पास 9,000 रुपये की जायदाद थी। कलाम साहब के पास जाते वक्त 9,000 रुपये की जायदाद थी। 9,000 रुपये तो आप चाय कॉफी बिस्किट में उड़ा देते हो, है ना? तो इतना समर्पित हो थे वो। तो मैं बात ये केवल इतना सा कह रहा हूं कि वो हम सब जानते हैं उस व्यक्ति को, हम सब जब उन्हें जानते हैं तो हमें सब लोग इतना जाने कि जिस फील्ड में हमने काम कर लिया, इस पीएससी पे मैंने काम किया है, तो यहां से जाने के बाद कहें भाई वो आए थे, इतना इतनी मेहनत करनी है। पर वो ना मेरे यहाँ बात करने से नहीं होगा, इक्विपमेंट समझाने से नहीं होगा, खूब सारी मेहनत करनी होगी। पर मैं बात ये कह रहा हूं कि इक्विपमेंट्स उतने ही पहनो जितने जरूरी हो। ऐसा हमसे गलती हुई, मैं बताता हूँ आपको। जब कोविड नया नया आया, मेरी पोस्टिंग भरतपुर मेडिकल कॉलेज में थी, तो हमें लगा दिया गया ड्यूटी पे कि आप सैम्पलिंग करेंगे एंड ऑल। तो पेशेंट हमारे पास आ रहा था, वो बड़ा खुशी खुशी आ रहा था, उसको कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन जैसे ही वो हमारे पास आ जा रहा था बीमार हो रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ जा रही हैं या कुछ भी हो जा रहा है। तो हमने जब इस चीज को देखा कि हो क्या रहा है, तो हमने देखा हम खुद रोबोट जैसे दिख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक हमने लबादा उड़ा हुआ है, ऐसे ग्लास व्लास पहनकर ऐसा लग रहा है कि पर आजकल पृथ्वी पे नहीं रह रहे हैं। तो क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी, अब हमें जानकारी है कि हमें कितनी डिस्टेंस रखनी है, किस तरह से स्क्रीन का यूज करना है, और कंपनियों ने जितना बेतहाशा कमाया पैसा इसमें, इक्विपमेंट्स बनाने में फलां ढिमका। हमारा कर्तव्य था, दैट वॉज आर ड्यूटी और दैट वुड बी योर ड्यूटी, कि इस तरह से कोई कंपनी नहीं कमाए। दैट वॉज आर फेलियर, ये हमारा फेलियर था
हमने इस इंडिया में, पुअर इंडिया, पुअर पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट होल इंडिया इज पुअर, 5% आर रिच। तो एक्चुअली वर्ल्ड वर्ल्ड का कोई भी मतलब निकलता है, बट जिस कंट्री में जब आर्थिक रिजर्वेशन की बात आती है तो 95% का कार्ड बन जाता है। तो 95% वी आर पुअर, ओके एग्जैक्ट। तो वहां पर हमने उन्हें डरा दिया, हम खुद उस जाल में फंस गए जहां से हमें उन्हें निकालना था। तो ये कर्तव्य, ये ड्यूटीज अब हमारी आगे रहेंगी, आपकी आगे रहेंगी, कि कोई इस तरह की चीज में नहीं फंस जाए। देखो पैसे और समय के दोनों की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी अगर आप डॉक्टर फील्ड ही चुनते हैं तो आगे। तो हमारा ड्यूटी एक रहेगा कि अब और कोई इसमें नहीं फंसना चाहिए, जैसा जाल कोविड के टाइम पे हमारे से हमसे गलती हुई है और लोग फंस गए, वैसी गलती औरों से नहीं होनी चाहिए। उनको बिल्कुल व्हाट्सएप नॉलेज नहीं देनी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सरकारें बनती हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है हमको, हमको फैक्ट चेक करना है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें ये इक्विपमेंट पहनने चाहिए, या मैं लेक्चरर हूँ, कोई और कोई आकर लेक्चर देता है, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप जा करके इसे गूगल करें, इसे जाकर बुक्स में देखें, मैरो करें, व्हाटएवर जो भी, कि इसे जाकर देखें कि एक्चुअली में जो पढ़ाया गया है दैट इज जस्ट ओके स्लाइड और इट्स अ नॉलेज, ठीक है। हमें क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के दो फायदे होते हैं, देखो, एक तो आप मेरे जैसे मास्टर का मूड खराब कर सकते हो कि सर ये तो था ही नहीं, और दूसरा आपके दिमाग पे भी थोड़ा जोर आएगा, आपको सीखने का तरीका मिलेगा, इस चीज को ऐसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। सवाल जो भी जवाब नहीं आए, ये तो मेरा टॉपिक जो है वो पूरी MBBS है, MD है, पूरे होल लाइफ के लिए है, लेकिन मेरे पास बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक भी आएंगे, उस समय आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि क्रैब साइकिल ऐसे ही क्यों चलती है, ETC में क्या होता है, हमारे बॉडी को इन साइकिल्स की जरूरत क्या है, अगर इसमें एक एंजाइम गायब हो जाए तो क्या होगा। यही तो डॉक्टरी है, मेडिसिन क्या है, कोई एंजाइम ज्यादा हो जाए कम हो जाए, कोई फीवर क्यों आ गया, क्यों काम हो गया, ठीक है। तो ये आप सर्च करते रहिएगा। एक बार क्या होता है कि हमें पता होता है हमें ये पहनना है इक्विपमेंट, पर हमें पता नहीं होता इसे पहनना कैसे है, ठीक है। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आपके ICU में कभी पोस्टिंग लगेगी तो एक ऑक्सीजन मास्क होता है, तो एक्चुअली जो लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वो बड़े ही अजीब होते हैं, कैसे, वो ऑक्सीजन मास्क को एलगार्ड समझ लेते हैं, है ना। ऐसा हुआ है, ऐसा मजाक नहीं, ऐसा हुआ है। ऑक्सीजन, सॉरी, जो एलगार्ड होता है वो हमारे प्राइवेट पार्ट की सेफ्टी के लिए होता है, क्रिकेट खेलते हुए उसका जो लगाने का तरीका होता है वो बेसिकली ऑक्सीजन मास्क से उल्टा होता है, लेकिन जो समझदार हैं वो ऑक्सीजन को भी एलगार्ड की तरह लगाते हैं, मास्क को भी। एक्चुअली उनको जानकारी नहीं होती है, उन्होंने क्रिकेट ज्यादा खेला होता है, मेडिसिन कम पड़ी होती है। तो हमें वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से किसी की जान बचा सकता है। इस एग्जाम्पल से बताने का मतलब इतना सा है कि उस पर हमेशा एरो बना होता है, उस पर ऑक्सीजन मास्क पर, एलगार्ड पे नहीं, ऑक्सीजन मास्क पर नहीं, नहीं रहता एलगार्ड पर,
ऑक्सीजन मास्क पर हमेशा ही एक साइन बना होता है कि उसका कौन सा हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा और कौन सा नीचे की तरफ। बेसिकली जहां से ऑक्सीजन एंटर करता है वो हमेशा नीचे ही होता है, और उसका जो नोजल होता है जहां से आप सांस बाहर करोगे, दो साइड में होते हैं ना, देखे हो आपने, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ रहते हैं। कुछ कंपनियां कुछ इम्प्रूवमेंट करके या कुछ चेंजेस करके उल्टा भी करते हैं, ओके, बट मोस्टली जो मिलते हैं। तो हमें अगर इक्विपमेंट हमारे पास है तो हमें पता होना चाहिए कि उसको लगाना कैसे है। तो हमें अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं तो हमें उन्हें वियर करना भी आना चाहिए, और पहनना और पहनाना दोनों आना चाहिए। एक हवाई जहाज से रिलेटेड बहुत बड़ी कॉमेडी हुई थी। हाँ बताइए बताइए। 9/11 इज नॉट अ कॉमेडी ब्रो, इट्स अ डिजास्टर। जो मर गए उनकी फैमिली से पूछो, और जिन्होंने मारा उनकी फैमिली से पूछो, बोथ वर इन डिजास्टर। ओके ओके, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड सिंपल यूनिवर्सिटी। ओके हाँ, तो जब एरोप्लेन नीचे की तरफ आ रहा होता है फ्री फॉल में, तो वो ऑक्सीजन मास्क नीचे लटक जाते हैं सारे, मूवीज में आपने देखा होगा बहुत सारा। तो एक बंदे ने सोचा कि इससे जान बचती है, तो उसने खुद का मास्क लगाया और पड़ोसी का भी छीन के लगा लिया। बोले जान बचती इससे, तो जितनी जान बचेगी, जितने ज्यादा मैं लगा लूंगा मेरी जान बचेगी। तो इस तरह से नहीं करना, हमें अपने सामने वाले की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। आप ये ध्यान रखिएगा, एक होता है कोड येलो, नाम सुना है क्या होता है कोड येलो? क्या होता है कोड रेड? मुझे आग नहीं लगी इधर। कोड येलो कब अनाउंस होता है? आप जो बात कर रहे हैं वो ट्रायज की बात कर रहे हैं। तीन ट्रायज होते हैं, एक तो ब्लैक होता ही है जिसमें पेशेंट का कुछ नहीं करना है, रेड वाला इमरजेंसी का रहता है, वो आप ट्रायज की बात कर रहे हैं, दैट्स डिफरेंट। एक जब कभी कहीं भूकंप आता है, कहीं मास इंजरीज होती हैं, तो वहां पर कोड येलो अनाउंस होता है। कोड येलो का पर्पज क्या होता है कि जितने भी बचाने वाले लोग हैं, जितने भी बचाने वाले लोग हैं, फर्स्ट बचाने में कौन आता है? डॉक्टर्स, सेकेंडरी आर्मी। ओके, उस सोसाइटी में कई डॉक्टर्स होते हैं, या एक एरोप्लेन क्रैश हो रहा होता है तो उसमें भी कई डॉक्टर होते हैं, या एक रेलवे इंजरी हुई है तो उसमें भी कई डॉक्टर्स होते हैं। आपको पता है पहले फॉर्म में भराया जाता था आइदर यू आर ए डॉक्टर और नॉट, इससे आपकी सुविधाओं का फायदा उठाया जा सके। उसमें एक बार फर्स्ट ईयर एमबीबीएस ने भी लिख दिया डॉक्टर यार, डिलीवरी का टाइम आया तो बोला मैं फर्स्ट ईयर हूं भाई। ऐसा नहीं करना, डिग्री लेने के बाद लिखना, और हो सके तो सीखने के बाद लिखना है ना। तो बात यह है कि कोड येलो जब होता है तो उसमें हमें बेसिकली क्या सिखाया जाता है कि हमें तो आता है बट वी हैव टू सेव द फ्रंट वन। तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स में आपको केवल खुद को ही सेफ नहीं करना है, सामने वाले को भी सेफ करना है। इसका तरीका क्या है कि जैसे ताज पे अटैक हुआ था, यू ऑल नो, तो ताज पे अटैक में इतनी कैजुअलिटीज क्यों हुई? क्योंकि वहां कोई डॉक्टर नहीं था, उसमें इतनी समझ नहीं थी
कि जो टेररिस्ट हैं वो वेल इक्विप्ड है। आप कोई लोहे की छाती लेकर पैदा नहीं हुए, गोली आपके आर पार होएगी ही सही। तो जो वहां का स्टाफ था वो छिपने के बजाय बचाने में लग गया। कोविड में इतनी डॉक्टर्स की डेथ क्यों हुई? क्योंकि डॉक्टर्स को लगा उनको कुछ होगा नहीं, ऐसा? डॉक्टर्स को पता नहीं था कि उनको क्या होगा, पर क्योंकि उनका काम है तो उनको करना है। तो बात यह है, समझाने की बात यह है कि हमें अगर आता है तभी हम फ्रंट में जाएं और सामने वाले को बचाएं। जैसे कहीं आग लगी है, आपको बुझाना नहीं आता और आप कूद पड़े उसमें, तू तो मरा मरा मैं भी मरा। सेफ्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, रेस एंड पास, है ना? दो टर्म्स हैं, रेस एंड पास। तो इन टर्म्स का यूज क्या है? इनका मतलब है कि आपको उस जगह से भागना है, सबको, अपने साथियों को लेकर भागना है। एक बंदा जिसके पास आग बुझाने वाला यंत्र है, वो अगर उसके पास है तो वो एरिया को कन्फाइन करे और फिर वो आग बुझाए, और अगर उससे नहीं बुझे तो वो पटके उसको और वो ही भाग जाए, है ना? ये नियम है। आपको भी यही सोचना है, आपको भी यही करना है। भाई जिनको बाउंसर खेलना नहीं आता वो झुकना सीखें, नहीं तो रहना जैसी हालत होगी। ठीक है? तो या तो हम सीखें और या फिर बचें, दोनों ही काम हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंटल केस आ रहा है और आपको हैंडल करना नहीं आता है तो आप उसे मस्ट ट्रांसफर करें। ये नहीं सोचें मालिक क्या सोचेगा, मैं जिसके अंडर काम कर रहा हूँ वो क्या सोचेगा। वो सोचेगा, एक दिन सोच लेगा, लेकिन तुम्हारे हाथ से अगर वो मर गया तो तुम सारी जिंदगी कुछ नहीं सोच पाओगे, है ना? तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं तो हमें उन्हें कैसे यूज करना है। जैसे गोगल्स हैं, ग्लव्स हैं, लैब कोट है, शूज है, ये सामने दिख रहा है आपको। ठीक है? किसी भी इक्विपमेंट में हम जब काम करते हैं तो इक्विपमेंट की एक काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई पार्ट मूव कर रहा होता है। आइदर पिपेट पंप, मैं एक बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, या सैंपल मीटरिंग, या अपनी सेल्फ पिपेटिंग। तो अगर आपका ये गहना, माला, कुछ भी उसके अंदर आ गई तो फिर वो आप होने से कहलाओगे ही, बस ये आदमी हुआ करता था। तो अगर आपको ऐसा करना है तो खूब अच्छी लंबी माला पहने, सोने की, 2.5-3 तोले की, 2.5-3 तोले की, किलो की। तो उसके बाद जब मरना तय ही है तो सभी मरते हैं। ठीक है? एक इंस्टीट्यूशन है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर में। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, सब जानते, सॉरी, पर मैं भी जानता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप सभी जानते होंगे। तो सवाई मानसिंह या SMS हॉस्पिटल की माइक्रोबायोलॉजी लैब में एक घटना हुई, तब मैं वहीं पोस्टेड था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी में पोस्टेड नहीं होता था। माइक्रोबायोलॉजी में जब ये घटना हुई, जो ये घटना हुई इसमें ये था कि जो टेक्नीशियन है उसने सेंट्रीफ्यूज मशीन ऑन की और वो चाय पीने चला गया। साधारण बात है,
नथिंग न्यू, दारू पीने जाता तो डाउट होता, चाय पीने चला गया, वापस आया मशीन का ऑटो सिस्टम खराब हो गया था, मशीन ने ऑटो कट नहीं लिया और मशीन बहुत तेजी से घूमने लगी और घूमते घूमते फट गई। फट के जो जितने भी वायल्स के टुकड़े थे वो उसके मुंह में घुस गए। ये एक सेफ्टी प्रोटोकॉल की गलती है, लेकिन डिपार्टमेंट की क्या गलती है कि वहां पर ना तो सेफ्टी शावर्स थे और ना ही आई वॉश स्टेशन। तो जो कुछ उसको बर्न हुआ वो बहुत गर्म हो जाता है कंटेनर, जो कुछ उसको बर्न हुआ वो इंजरी उसने 1.5 घंटे झेली। यंग बंदा था, 1.5 घंटे उसने वो झेली, लेकिन अगर कोई हल्का आदमी होता तो वहीं खत्म होता। पूरे चेहरे में उसके वो घुस गए थे। तो अगर हमारे पास उस समय शावर्स होते उस जगह पर, तो हम उसकी पेन को, इधर हम उसकी लाइफ भी सेव कर सेव तो वो बची गया, लेकिन वहां पर और कंफर्ट कर सकते थे। तो ये सेफ्टी इक्विपमेंट वहां होने भी चाहिए और वो चलने भी चाहिए। कईयों में आपके क्लिनिक भी होंगे, कईयों में आपके हॉस्पिटल्स भी और दुकानें भी हो सकती हैं, होटल्स भी हो सकते हैं, पर हम एक रास्ता ढूंढ लेते हैं कि ये जो हमारे एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है आग बुझाने का, इसमें हम आग वाले को पैसा खिला देते हैं, 1 साल का लाइसेंस और बढ़ा दे, चाहे उसका पाउडर खत्म ही हो गया हो, लेकिन जब मौका पड़ता है तो उसमें कुछ निकलता नहीं। तो वो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इसी तरह से शावर, अगर किसी कारण से बंदे को मल्टीपल बर्न हो जाते हैं, उसको ऑन स्पॉट शावर के नीचे खड़ा कर सकते हैं, केमिकल बर्न हो जाते हैं, और अगर उसकी आंखों को चला जाता है तो हम आई वॉश से क्लीन कर सकते हैं। ये मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ये वर्किंग प्रैक्टिस गुड होनी चाहिए। ऐसे एक पेशेंट आपको दिखाने आया, लेकिन आपको उसको बीपी लेना नहीं आता। ऐसी घटना हुई जब 2005 में राजस्थान में डॉक्टर्स की हड़ताल हुई, 5 या 4 या 5 तो डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई। तो वहां पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टर जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल थे उनको लगा दिया गया कि अब आप पेशेंट देखेंगे। हाँ, पेशेंट ही देखते हैं, वो भी बस देखते हैं, टू पेशेंट है। तो नहीं, कुछ चूरन चटनी भी देते हैं प्लीज, और कुछ अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं तो प्लीज। मैं बहुत आयुर्वेद पे बिलीव रखता हूँ सुनने में। तो हाँ नहीं, मैं भी बाबा रामदेव का कौन सा चूरण आता है वो मैंने पढ़ा है, कोरोनिल किट पढ़ी है मैंने, और उसको अप्रूवल निम्स से मिला था, ये भी मैंने पढ़ा है ना। तो उसके बाद जेल जाने की नौबत आ गई थी, ये भी मैंने पढ़ा। तो ये सब मैंने पढ़ा है, कोरोनिल नहीं खाया है। तो मैं कहाँ था बाबा रामदेव से पहले? हाँ हाँ ओके। हम इस बात पे थे कि हमें बेसिक क्यों आना चाहिए। तो जब उन डॉक्टर साहब को लगा दिया गया इमरजेंसी में, तो एक पेशेंट आया चेस्ट पेन के साथ, एंजाइना पेक्टोरली पढ़ोगे आप। तो डॉक्टर साहब ने कहा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लग रही है, तो ठीक है एक ओमेज देते हैं। ओमेज देती, साथ में कंपाउंडर था, उसने कहा साहब ईसीजी तो करा लो। उन्होंने ईसीजी करा ली, इत्तफाक है उन्होंने ईसीजी पढ़ भी ली, और कमाल बात है कि उन्होंने ईसीजी पढ़ के छुट्टी भी दे दी, और उससे बड़ी कमाल की बात है 20 मिनट बाद पेशेंट घर गया, घर नहीं गया, परमा घर गया, परम घर होता है ना वो, वहां चला गया।
तो ऐसा हो सकता है कि जब आप MBBS कर लें तो आपको भी ECG पढ़ना नहीं आए, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि मुझे ECG पढ़ना नहीं आता, ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको पता नहीं हो कि पैरासीटामोल की फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक क्या है, बट आपको ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि भाई मुझे नहीं पता इसकी फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक क्या है। अब तो मैं फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक भी नहीं जानता हूँ अभी तो, लेकिन जब मैं फार्मा पढ़ूंगा तब तो वो जान जाऊंगा। लेकिन मैं फार्मा पढ़कर भी नहीं जानता हूँ कि क्या है पैरासीटामोल, तो ये बोलने में शर्म नहीं है। मैं गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल में उस समय JR लगा था नया नया, तो मुझे पूरी मेडिसिन याद थी कि हाँ भाई ये इसको ये देनी है, ये देनी है, ये देनी है, ये देनी है। पर कमाल बात है, ये मुझे पता नहीं था कि मेडिसिन के अंदर क्या है। तो एक पेशेंट जब उसके साथ आया रेस्पिरेटरी फेलियर सॉरी कार्डियक फेलियर के साथ, तो मैंने उसको लैसिक्स दिया। तो जो हमारे सीनियर डॉक्टर थे वो इलाज से बहुत खुश हुए, यहाँ इसने बंदे ने ट्रीट कर दिया। खुशी खुशी में उन्होंने पूछा, शायद उन्हें भी नहीं आता होगा, पर उन्होंने पूछा लैसिक्स में आता क्या है। उसके बाद मुझे बहुत सारे प्रवचन हुए विद अलंकार, पर अब जो हुआ सो मेरा पास्ट था कि मैं नहीं जानता था कि फ्रूसामाइड आती है कि टॉर्सामाइड आती है ना। तो आप जान लेना कि फ्रूसामाइड आती है कि टॉर्सामाइड आती है, क्या होती है। ये ड्रग हैं जो डायूरेटिक्स हैं, जब पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हम एक डाइटोटेन देते हैं पेशेंट को, जिससे उसका BP लो होता है, क्योंकि उसका जो फ्लूड लोड है वो नीचे आ जाता है, वो यूरिन से पास हो जाता है, वो लेसिक्स है। अब पता है, तब नहीं पता था, और तब मैंने एक्सेप्ट भी किया और गालियां भी खाई, वो जरूरी थी। ठीक है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब हम बड़े बचपन से सुनकर आए हैं। कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, और फिर हम तो बड़े वाले सॉरी स्टूडेंट हैं। ओके, मतलब हम तो अच्छे स्टूडेंट हैं, तो वो जगह साफ होनी चाहिए, बीच में कोई हर्डल नहीं होना चाहिए। आग लगी हम भाग रहे हैं, बीच में हमारा हेलमेट आ गया है ना, हमारा सुरक्षा चक्र टूट गया, हमने रखा था उसको सुरक्षा के लिए, उसी से टकरा कर हम गिर गए और गए। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड एनीवेयर, नॉट एवरीवेयर, एनीवेयर इन द लेबोरेटरी बिल्डिंग। स्मोकिंग कहीं अलाउ नहीं है, अलाउ है जब तक आपके फेफड़े अलाउ करें, लेकिन वैसे कहीं अलाउ नहीं है। ठीक है, स्मोकिंग का बेसिक लॉस क्या है, उससे कुछ कुछ लोग मर जाते हैं, सब लोग नहीं मरते हैं। कुछ लंग कैंसर होकर मरते हैं, कुछ ओरल, हाँ ओरल कैंसर, कैंसर के कई टाइप हो सकते हैं, किसी से मरेगा या वो चॉइस करेगा, पर मरेगा। तो कुछ स्मोकिंग जो है, एक सवाल आया था, मेल में स्मोकिंग से यूट्रेस कैंसर नहीं होता क्यों? हाँ, ये बड़ा ही मेडिकल क्वेश्चन है। तो कुछ इंटेलिजेंट्स को मैं बता दूं कि मेल में यूट्रस नहीं होता, ठीक है, नहीं तो पापा मम्मी कहलाते और
मम्मी तो मम्मी कहलाती है, ठीक है। नहीं, इसका भी कईयों ने गलत आंसर दिया था। क्वेश्चन में यूट्रस ऐसे नहीं लिखा था, क्वेश्चन इस तरह से था, विच कैंसर इज नॉट पॉसिबल इन मेल्स बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। और उसके ऑप्शन थे लंग कैंसर, माउथ कैंसर, यूट्राइन कैंसर एंड नन ऑफ अबव। तो उसमें भी कुछ लोग जो हर आंसर बी ही देते हैं, उन इंटेलिजेंट्स ने बी ही दिया। अब उनके यूट्राइन का मुझे डाइग एक्चुअली क्या कईयों का पता भी नहीं होता आजकल, साइंस है। अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि एक बाप माँ बना, ऐसा कुछ था ना, ये सच है। एक मेल ने बच्चे को जन्म दिया तो उसने हमारी ये थ्योरी फेल कर दी। अब बी ही आंसर सही है। और हाइजीन, ये बताने की बात नहीं है लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। इसको पेंसिल, पेन पेंसिल खाने के लिए नहीं, अपने लिखने के लिए होता है, तो ये ध्यान रखें। वॉश हैंड, ये हम आप आजकल काफी कुछ कर रहे हैं, स्पेशली बिफोर ईटिंग। ये माउथ पिपेटिंग है, पहले जब लेबोरेटरी शुरू ही हुई थी तो टेक्नीशियन माउथ पिपेटिंग करते थे। माउथ पिपेटिंग में क्या है कि एक बीच में जो बल्ब है ना, इसमें सेपरेटर है, बीच में वैक्यूम है, तो वैक्यूम की वजह से ये मानना था कि वायरसेस या बैक्टीरिया क्रॉस नहीं करते। लेकिन अगर ये थ्योरी सही होती तो हमें किसी को कोविड नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस बैक्टीरिया सबसे ज्यादा नम जगह में तो होते हैं। पर इस प्रक्रिया को भी खत्म करने में डॉक्टर्स के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि पुराना टेक्नीशियन कहा करता था मुझे तो इससे ही आता है। ऐसा आपके साथ भी होगा, जब भी कभी आप नया इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करोगे, जहाँ भी आप सेक्टर फैक्टर जहाँ भी जाओगे, तो वहाँ आपको एक विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजीज के साथ जाओगे और उसमें जो मेरे जैसे बूढ़े ठाड़े होंगे वो कहेंगे तो हो ही नहीं सकता ना, ऐसा होता है। आप जब भी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, घर में भी करेंगे, आप घर में जाकर एक डस्टबिन रख दीजिए, कुत्ता पाल लीजिए, जो आपको पसंद है वो कर लीजिए, लेकिन पेरेंट्स एक बार कह ही देंगे साले को समझ ही नहीं है, ये रखने की जगह है, कुत्ता पालेगा पोटी कौन मैं साफ करेगी है? मतलब चाहे वो कुत्ता बाद में उन्हीं के साथ रहे, लेकिन एक बार को विरोध आपको सबको झेलना ही, ठीक है। पर एक ही चीज इसमें आपने विरोध नहीं झेला होगा, MBBS आपके अलावा। दीज आर द क्लास वे, समय समय पे गर्लफ्रेंड को याद करना चाहिए। नहीं, उल्टा भी है, पर मैं तो गर्लफ्रेंड ही याद करूंगा। ब्रदर, क्या कमर सीधी हो गई? अटेंडेंस सीट चल रही है ना? चल रही है। आपके पास ही रहेगी क्या? हो गई? हाँ, क्लास के बाद आप मुझे दे दीजिएगा। प्रॉक्सी कितनी है? है कुछ? ओके, बिना प्रॉक्सी लगाए MBBS पूरी नहीं होती।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है आप सभी एक दूसरे के कंपटीटर हैं। इट्स अ प्रोफेशन, इट्स नॉट टीचर स्टूडेंट। आप मेरे भी कंपटीटर हैं, आप खुद के तो हैं ही, पर आप प्रॉक्सी लगा करके एक आध महीने, एक आध बैच, एक आध साल हेल्प कर सकते हैं। बट ये कोशिश कीजिए कि उसकी, अगर कोशिश कीजिए कि वो क्लास आई जाए, बेटर रहेगा। चाहे कितनी बोरिंग हो, चाहे मेरी ही हो क्लास, पर वो आ जाए, ठीक है? उससे ज़्यादा भला होगा बजाय प्रॉक्सी के। बायोकेमिस्ट्री पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, आई नो। अब दूसरी बात, क्लास वेयर। हम जहाँ तक कोशिश करें टूटने फूटने वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें, है ना? चाहे फिर ग्लास हो या दिल, ओके? पर कोई मानता नहीं। ईयरबड का यूज करें अगर आप नॉइजी एरिया में वर्क कर रहे हैं तो। पर आप लोग कहेंगे हम डॉक्टर से, हम नॉइजी एरिया में काम क्यों करेंगे, हमारे नॉइजी एरिया कहाँ है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम डॉक्टर्स में से कुछ डॉक्टर्स की नौकरी जेल में भी लगती है, जेल में भी डॉक्टर होते, कुछ लोगों की आर्मी में भी लगती है, आर्मी में भी डॉक्टर होते, कुछ लोगों की रेलवे में भी लगती, कुछ लोगों की इंडस्ट्रियल एरिया में भी लगती है। डॉक्टर वो कुत्ता नहीं कहूँगा, कौम है जिसको कोई भी पाल सकता है, मैं रख सकता है, ठीक है ना? डॉक्टर सब जगह चाहिए और सबको फोकट चाहिए, ठीक है? लेकिन हम किसी को फोकट नहीं मिलेंगे, ठीक है? हमने सीखा है, तेरे में दम है तू सीख, ठीक है? पर सीखना ऐसा है कि कोई सीख ना सके वैसा, ठीक है? जो मुझे आता है वो बस मेरे जैसों को ही आता है बस, ठीक है? इतना सीखना है। सो डस्ट के लिए मास्क लगाने ही है। फ्यूम हुड्स आपने कुछ ने देखे होंगे, ना भी देखे होंगे, जब हम आरटीपीसीआर करते हैं, हॉस्पिटल में आप गए हो, तो हम आरएनए को सेपरेट करते हैं, डीएनए आरएनए जिसका भी हमको पॉलीमराइजेशन करना होता है, तो हमें उसको वायरस के पार्ट में से निकालना होता है, तो उससे एक फ्यूम जनरेट होती है, रिएजेंट रिएक्शन से एक फ्यूम जनरेट होती है, उसके साथ वायरस पार्टिकल एनवायरनमेंट में जाते हैं। उस वायरस पार्टिकल को हम अंदर नहीं ले जाए, इसके लिए एक ग्लास का सेपरेशन होता है, तो हमें जब भी काम करना हो सेपरेशन का, आरएनए सेपरेशन का, तो हम हमेशा उस ग्लास को अपने आगे रखें, उस ग्लास के आगे इस तरह से जगह होती है आगे, उसके अंदर से दोनों हाथ अंदर जाते हैं और फिर सारा काम होता है। मेंटेनेंस तो जरूरी है ही। पता चला कि मैं एक चाइनीज फोन उठा लाया, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना था, चला टाइम पे चला ही नहीं, है ना? ऐसा कई बार घटना हो जाती है, तो अपने इक्विपमेंट हमेशा कि भाई गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप हॉस्पिटल खोलें या कुछ भी खोलें तो एग्रीडेशन होता है, एक चीज आप किसी चीज से एग्रीडेस होते हो ना, तो अगर आपने टीम बुला ली और आपके इक्विपमेंट सही नहीं है तो आने वाले 10 साल तक आपको वो एग्रीडेटेड नहीं करके जाएगा। एनएबीएल नाम सुना होगा आपने, वो समझ जाएगा कि जो प्रेजेंटेशन वाले दिन सही नहीं कर पा रहा वो डेली क्या करता होगा, ठीक है? तो एग्रीडेशन किसी भी चीज के लिए, एच यू गया सैम्पलिंग में तो हम गड़बड़ कर देते हैं,
ठीक है, खराब से भी दे दिया, किसको पता चल रहा है, बाद में पता चलता है तो बहुत बड़ा ड्रामा होता है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो हमारे इक्विपमेंट सही होने चाहिए, अगर वो सही नहीं होते हैं तो इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे का मैंने आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन की बात बताई, अगर उसका इक्विपमेंट सही होता और वो ऑटो कट लेता तो इंजरी नहीं होता। इस तरह का मेंटेनेंस अगर रहेगा तो ये किसी को कुछ नहीं देने वाला अलावा कचरे के। ओके, जो भी कुछ किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। देखो, जो हम सब में वी ऑल एक कमी है, हम में से किसी को लिखना पसंद नहीं है, हम सब ये चाहते हैं कि बिना लिखे काम हो जाए, सब सब ऑल डॉक्टर, इसलिए उनकी हैंडराइटिंग ऐसे होती है कि पैरासिटामोल में केवल पैरा मिलता है। हम में से कोई पसंद नहीं करता, मैंने आज तक कोई नहीं देखा, और जो पसंद करते हैं वो उतना ही पसंद करते हैं जितने से उनका काम चल जाए। ये इसने क्वेश्चन इतना पूछा है, इसका आंसर मैं उतना ही लिखूं जितने मेरे 5 नंबर आ जाएं, 10 का है तो 10 आ जाएं। आप तब तक एक अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे कि जब तक आपको लिखना पसंद नहीं होगा। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए लिखना पसंद होना बहुत जरूरी है। जितना आप लिखोगे उतने अच्छे डॉक्टर बनोगे, उतने अच्छे एग्जाम्स में सेलेक्ट होगे और उतने ही अच्छे डॉक्टर बनोगे। हमारे पास हमारे किए हर कर्म का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो। एक्चुअली इसमें मेरा थोड़ा सा आपसे अलग हटके मानना है कि जो हम बोलते हैं ना बुरे कर्म और अच्छे कर्म, एक्चुअली टाइम के हिसाब से बदल जाते हैं। बूढ़ा सोच रहा होता है जवानी में आशिकी कर ली होती ज्यादा बेटर था, है ना, लेकिन वो हर जवान को ये कहता है साला क्या छोरी बाज है। ये है, ये सोसाइटी का रोना है, जो मैं नहीं कर सकता साला वो कैसे करे। अब बूढ़ा आशिकी तो करने से रहा तो जवान को चिढ़ा ले। तो ये टाइम के हिसाब से बदलते हैं। हम अब सोचते हैं कि और खेल लिए होते तो हो सकता है आईपीएल खेल रहे होते, सोचते हैं। तो ऐसा है कि हमारी हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप आज बायोकेमिस्ट्री से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लिखकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप मेडिसिन तक पहुंचेंगे तो आपको पता होगा कि लिखना क्या है, मुझे कितना याद हो सकता है लिख करके, और वाकई में आप किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। आज मेरे एचओडी मुझे अपने पुराने नोट्स दिखाते हैं कि देखो मैं लिख कर पढ़ता था, तो मैं सोचता हूँ लिखने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि तो मैं नहीं लिखता, पर बेसिकली जब उनके नोट्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई इस बंदे ने रियल मेहनत की है। तो आपके पास आपको देने के लिए खुद का एग्जाम्पल हो कि बायोकेमिस्ट्री में या इस सब्जेक्ट में मैंने इतना लिख लिख के पढ़ा तो मुझे इतना याद हुआ, और ये आप गारंटी मानिए कि जितना डॉक्यूमेंटेशन रखोगे उतना ज्यादा याद होगा। और अपने को सबको एमबीबीएस ही करनी है, तय हो गया है, यहाँ करो कहीं करो कहीं भी करो, तो ये पैटर्न रखें। और सबसे बड़ी बात, एमबीबीएस का पहला नियम दिमाग नहीं लगाना, जहां दिमाग लगाया वहां एमबीबीएस खत्म, बेहतर था इंजीनियरिंग कर लेते, ठीक है। दिमाग का एक पार्ट होता है मेमोरी, है ना, मेमोरी दो ही लोगों की तेज होती है, एक तो लोग ही नहीं होता कुत्ता, और एक डॉक्टर, ठीक दो ही लोग कभी कुछ नहीं भूलते, कुत्ते को मालिक कभी भूल नहीं सकता, मालिक को कुत्ता कभी भूल नहीं सकता, और जो डॉक्टर्स ने याद कर लिया वो अगर मृत्यु सैया पे भी पड़ा होगा तो भी बता देगा यार इसको ये वाला लगा दे ठीक हो जाए। तो क्योंकि कई डॉक्टर्स पेशेंट देखते हुए भी गए हैं,
तो मेमोरी हमारी सबसे शार्प है, क्योंकि हमें इसी तरह से ट्रेंड किया गया है और किया जाएगा फ्यूचर में। तो बेहतर है कि आप एक जो ब्रेन में एक रुकावट आती है ना, मैं इसको समझ लूं, मैं इसको समझ लूं, अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो मेमोरी में तो जाना ही चाहिए। 2 + 2 = 4 कैसे होते हैं, समझ में आ गया तो ठीक, पर 2 + 2 होते 4 ही हैं, ये तय मान लो आप। जितनी जल्दी आपके ब्रेन में ये सेट हो जाएगा कि मुझे तो याद करना ही है, समझ के याद हो जाए तो ठीक, और नहीं तो है यही। QT इंटरवल हाइपोकैल्शियमिया में हमें कम होता है, ज्यादा होता है तो होता है, क्यों होता है अपन समझ लेंगे, पर ये तो पहले याद कर लेना है कि QT इंटरवल हाइपोकैल्शियमिया में बढ़ता है। टी वेव इन्वर्जन हाइपोकैलेमिया में होता है तो होता है, क्यों होता है ये अपन समझ लेंगे, लेकिन होता है। समझने की बात सेकेंडरी है, पहले मेमोराइज करना है। क्रैब साइकिल ऐसे चलती है तो चलती है, वो कैसे मुझे याद करनी है वो अलग मैटर है। मेडिकल साइंस में इतना निमोनिक क्यों चलता है, क्यों चलता है इतना निमोनिक, अगर समझने से सब कुछ समझ में आ जाता तो निमोनिक की जरूरत क्या थी। आपको पता है अपने आप में गुटखा चलता है निमोनिक का, निमोनिक समझते हैं, सब समझते हैं ना निमोनिक, किसी भी बड़े से बड़े पार्ट को छोटे से उसमें याद कर लेना, दैट्स निमोनिक। जैसे 12 cranial nerve आपको याद है, याद है क्रम से याद है, हाँ याद है तो अच्छी बात है, बाकी इसके भी निमोनिक हैं, गूगल कीजिए मिल जाएंगे। वन ऑफ आर तेलुगु टीचर आस्क फॉर गुडबाय एंड हलवा, ओके, तो ये उसका क्रम है क्रेनियल नर्व का। तो हमें एग्जैक्ट याद करना ही है, ठीक है, ये कुछ हैंडलिंग करने का तरीका है। ये केमिकल्स को रखने के भी सावधानी रखनी होगी, ऐसा किस लिए करते हैं, आप में से कुछ बच्चों की लेबोरेटरी मैंने देखी थी, मेरे टाइम पे भी दो दो बैच की बायोकेमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल में आप लोगों ने मुझे देखा हो नहीं देखा हो इट्स ओके, बट मैंने आप लोगों को देखा था। कौन सा बंदा था जो, चलो कोई सा भी था, वो बार बार उस ढक्कन को खोल रहा था बंद कर रहा था, उसने ये नहीं देखा कि उसमें H2SO4 है कि क्या है ना। तो कौन सा था, जो भी था, क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, रजत, जो भी था, अरुण था, रजत था, वो भी, ठीक है। तो इनको रखने का तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि लड़का और लड़की कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है ना, ऐसे केमिकल के साथ है, ऐसे केमिकल को साथ मत रख दो कि आग लग जाए। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं ना। अब एक चीज जो आपको जाननी है इसके अलावा, इन सेफ्टी उनके अलावा, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, इसको ये वेस्ट मैनेजमेंट जो आपको जानना है, वेस्ट के लिए कंटेनर रखे रहते हैं हर जगह आपने देखे होंगे, उसमें जो लैब में कंटेनर काम आते हैं वो 4 तरह के हैं, एक रेड बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग एंड वाइट कंटेनर। जो व्हाइट कंटेनर होता है इसमें हम सिरिंजेस शार्प आइटम्स उनको पहले तोड़ करके व्हाइट कंटेनर में डालते हैं, रेड में हम प्लास्टिक डालते हैं जो रिसाइकलेबल होंगे वो डालते हैं,
येलो में हम एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी में आपको बहुत डिटेल में सीखने को मिलेगा। एक्चुअली जो अपने नीट होता है उसमें इतने क्वेश्चन रहते हैं, 17, ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन रहते हैं पीएसएम के, वेस्टेज से और सेफ्टी से। और आई थिंक इट्स अ बिग 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 पार्ट ऑफ द एग्जाम। आप 17 क्वेश्चन अगर आप सही कर सकें पीएसएम से और माइक्रोबायोलॉजी से और बायोकेमिस्ट्री से मिला करके, तो काफ़ी रैंक का अंतर हो जाता है। तो इसकी डिटेल में कौन सा हजार्ड आपको इन्फेक्शियस कहलाता है, कौन सा नॉन इन्फेक्शियस कहलाता है, इस सब की डिटेल आपको माइक्रो में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि येलो में क्या आएगा, रेड में क्या आएगा, ब्लैक में क्या आएगा, डोमेस्टिक घरेलू कचरा ब्लैक में आता है। ये हमने 12th में भी पढ़ा होगा, क्वेश्चंस भी आए आए थे नीट में, ठीक है। ये बिन से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा था केमिकल दो अलग अलग तरह के एक जगह नहीं रखने चाहिए। ये कमियां हैं इसकी, जैसे क्वेश्चन बनता है कि इसने क्या क्या नहीं किया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चंस नीट में आते हैं। ये मैं आपको हुड बता रहा था, जो इसने तो उसका कांच बिल्कुल ऊपर कर रखा है ना, ऐसा ऊपर नहीं होना चाहिए। दिस इज यू,